साल 2023 का बहुत ही फेमस म्यूजिक अवार्ड शो ग्रैमी अवार्ड्स की चर्चा भारत में खूब हो रही है। इस अवार्ड शो में संगीत की दुनिया से जुड़े देश दुनिया के मशहूर लोगों को सम्मानित किया गया। भारत के रिकी केज ने ही इस अवार्ड नाइट में अपना जलवा दिखाया है। संगीतकार रिकी केज एक बार फिर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। इस साल उन्हें अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी जीत लिया। इसके बाद उन्हें देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। रिकी केज का यह तीसरा ग्रैमी अवार्ड था। उन्होंने ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्वीटर्ड कोपलैंड के साथ अपना अवार्ड शेयर किया। ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद रिकी केज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा है, अभी अभी मैंने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, अत्यंत आभारी हूँ, थोड़ा हैरान भी हूँ। मैं यह पुरस्कार भारत को समर्पित करता हूँ। रिकी केज के एल्बम को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा इस कैटेगरी में और भी संगीतकार नॉमिनेट हुए थे, जिसमें क्रिस्टीना एग्लियरा, द चांसमोकर्स, मेमोरीज डू नॉट ओपन, जन एरा ब्लूम और भी ऐसे कई नाम शामिल थे। संगीत को दुनिया में रिकी केज का एक बड़ा नाम है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर सहित कई पॉपुलर जगहों पर परफॉर्म किया है। कहा जाता है वह 30 अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा पुरस्कार को सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2015 में अपनी एल्बम वंस ऑफ संसारा के लिए ग्रामी अवार्ड जीता था। इसके बाद उन्होंने 2022 में एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में स्विटर्ड कोपलैंड के साथ ग्रैमी अवार्ड जीता था।